हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मार्वेलस एजुकेशन ग्रुप में, जहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी इस वाले सीरीज में। तो चलो, आज का वीडियो मैं अभी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आप लोगों को पता ही है, अगर हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या करना है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है फ्रॉम प्ले स्टोर, जिसका नाम है मार्वेलस एजुकेशन। और अगर हमारे से टच में रहना चाहते हो तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो उसके लिए क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जोड़ना ज्वाइन करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वो भी हमारा सेम नाम से है, मार्वेलस एजुकेशन। सर्च करोगे एक बार में आपका आ जाएगा टेलीग्राम चैनल। चलो, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या, डायगोनल ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में डायगोनल क्या होता है, अब रेक्टेंगल में मैं थोड़ा सा डायगोनल की बात बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में आऊंगा, ओके, ताकि आपको डायगोनल का मतलब समझ में आ जाए। देखो, जब भी रेक्टेंगल में हम लोग आते हैं ना, रेक्टेंगल में इसमें क्या क्या चीज होता है, एक तो लेंथ होता है, दूसरा होता है हमारा ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ होता है तो कहते हैं कि इस पॉइंट से, अगर मान लो ए बी सी और डी है, तो इस लेंथ और ब्रेड्थ को बीच से ऐसे क्रॉस करने वाला जो लाइन है, इसी को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। इसी वाले को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसी को कहते हैं हम लोग डायगोनल, इसी चीज को कहते हैं हम लोग डायगोनल। ये जो डायगोनल है हमारा, इसी चीज को निकालने के लिए जानना है। तो अब ये बताओ, अगर मैं इस फिगर को सिर्फ निकाल दूं, ये जो पोर्शन है इसे मैं अगर सिर्फ रिमूव कर दूं यहां से, तो क्या सीन हमारा बनेगा, ये तो होता हमारा 90 डिग्री का, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कैसा, तो इस तरीके से ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिख रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये नीचे एल है, यहाँ पे बी है, ओके, एल है और यहां पर बी है, ये बी जो है ये भी बी ही होगा, ओके। तो अब इसमें कह सकते हैं, इसका अगर लेंथ हमें निकालना है ये वाले का, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला लेंथ क्या हमारे पास आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग इसका क्या निकाल सकते हो, डायगोनल, इसी को कहते हैं क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही क्यूबॉइड के अंदर भी होता है और क्यूब के अंदर भी डायगोनल होता है, लेकिन उसमें 3D फिगर है, 3D फिगर है तो इसमें कैसा होगा, कुछ ऐसा फिगर होगा। अब इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को क्रॉस करने वाला ही डायगोनल कहलाता है। तो कहां से कहां तक हमें डायगोनल के लिए जाना होगा, तो इस वाले पॉइंट से अगर मान लो हम डायगोनल चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, अब जहां जाना होगा ये क्या कहलाएगा, हमारा डायगोनल। अच्छा ये बता मुझे, नीचे वाले सरफेस का हम लोग डायगोनल निकाल चुके हैं क्या, ऑफ कोर्स निकाल चुके हैं, कैसे, रेक्टेंगल वाले से, रेक्टेंगल वाले से हमने अभी अभी निकाला कर आप लोगों को बताया है। ये वाला सिर्फ फिगर में, फिगर पर फोकस करना है, बेस पर, सिर्फ और सिर्फ बेस पर फोकस करना है मेरे दोस्त। तो यहां हमने बता दिया है कि ये जो लेंथ है इसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो लेंथ है इसी को मैं कह रहा हूं डायगोनल, इसी को क्या कह रहा हूं मेरे दोस्त, डायगोनल कह रहा हूं। तो किसका, बेस वाला जो हमारा सरफेस है उसका डायगोनल। अब ये बता मुझे, ये लेंथ तो मुझे पता है क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये एल है, ये हमारा बी है और ये एच है। अब ये बताओ, इस वाला चीज को हम लोग, इस वाले पोर्शन को अगर हम कट कर लें, किस वाले पोर्शन को, तो नीचे ये वाले से, और ऐसे स्लाइस कट कर लें, तो ये वाला लेंथ इसमें कितना होगा ये मुझे अगर बताना हो, तो कैसा बनेगा, ऐसा कुछ फिगर होगा, ऐसा तिरछे जा रहा होगा और ऐसा कुछ। पर ये एक्चुअल में होता क्या है ना, ये सरफेस है, ऐसा स्ट्रेट है, फ्लैट है, इस वजह से सिर्फ मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं तो ऐसे फिगर है मुझे सिर्फ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल सीन क्या होगा, एक्चुअल सीन ऐसा कुछ हो, नीचे वाले का ये क्या होगा, एच के बराबर, ये एच के बराबर, और ये नीचे वाला का लेंथ कितना होगा, ये वाले का लेंथ अभी भी हमने निकाला है कितना है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला बता दो सर जी, आपका डायगोनल हो जाएगा, किस वाले, किसका डायगोनल हो जाएगा आपका, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कर सकते हैं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, यहां से ऐसे करके लगा सकते हैं, मैं इसे नीचे निकाल कर बता रहा हूं, ओके, यहां लगा कर बता रहा हूं ऐसे, क्योंकि यहां पर इधर में बहुत कचरा कर चुका हूं।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बराबर, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वाला लेंथ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल ऑफ किसका, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला ईओसी का फॉर्मूला हो गया। अब भैया मुझे बताओ अगर मुझे क्यूब के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, अब ये नर्सरी का बच्चा भी बता सकता है भाई, अब ना ही बताया तो उसको नर्सरी में नाम लिखवाया जाएगा। डायगोनल ऑफ अब किया है इस पर क्यूब कैसे किया जाता है, अभी तक मैंने हर फॉर्मूला को कैसे ट्रांसफॉर्म किया था, बी को ए से रिप्लेस कर दिया था ना, एल बी एच को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ क्यूब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ में थ्री ए स्क्वायर, कह सकते हैं ए रूट थ्री, यही हो जाएगा डीओ सी डायगोनल ऑफ क्यू, ओके डीओ ऑफ क्यू यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसे भी लिख लेना है बॉक्स में और कर लेना है फटाक से याद, तो ये दोनों हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब मैं इन सारे फॉर्मूला के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस के लिए आप लोग अब फर्स्ट चैप्टर को आर एस अग्रवाल के फर्स्ट चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकते हो, जितने भी सवाल है ना उसमें क्या सिक्वेंस में और जिगजैग वे में थोड़ा दिया है, मैं आपको टाइप वाइज करवाऊंगा लेकिन क्वेश्चन क्या होगा एज इट इज आर एस अग्रवाल का ही होगा, ओके तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेशन में। अब हमारा थियरी का ये क्लास का जो था सबसे लास्ट वाला ये वीडियो था, जितने भी फॉर्मूले मैंने बॉक्स के अंदर लिखवाए हैं सारे फॉर्मूलों को आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना है ताकि उन फॉर्मूलों को आप अप्लाई कर सको, साथ में आपको एक प्रैक्टिस कॉपी रखना है बगल में जिसमें जिसमें क्या करना है फटाफट शाम में नीचे रखो, मैं क्वेश्चन दूंगा यहाँ बोर्ड पर और नीचे उसी वक्त सॉल्व करके दिखाना है, बाद में नहीं उसी वक्त सॉल्व करके बताना है ताकि आपका स्पीड बढ़ सके, मेरे साथ चलना ओके तभी मजा आएगा, वरना आप ऑनलाइन क्लासेस में उब जाओगे। तो चलो दोस्त आज की क्लास यही मैं एंड कर रहा हूँ, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेशन में, बाय।